सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि उन्होंने सैनिकों को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकियों ने हमला करके बड़ी गलती कर दी है और इसकी उन्हें कड़ी कीमत भी चुकानी होगी। प्रधानमंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ये है पीएम मोदी की वो 5 बातें जिसने बढ़ा दी है पाकिस्तान की धड़कनें। नंबर 1, मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनाहगार हैं, उन्हें उनके किए गए की सजा अवश्य मिलेगी। नंबर 2, बड़ी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है कि वो ऐसी तबाही मचा कर भारत को बदहाल कर सकता है। उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे नहीं होंगे। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। नंबर 3, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिशें रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में वो सफल हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नंबर 4, इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खोल रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ। इस समय देश की जो अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो स्वाभाविक है। हमने सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है, हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा है। एंड नाउ नंबर 5, साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मना स्थिति और माहौल दुख और साथ ही साथ आक्रोश का है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, ये रुकने वाला नहीं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।